अभिषेक ने किया आयशा को एक्सपोज। अभिषेक आयशा को कहा, जब आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए नहीं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वेलकम टू द हंगामा स्टूडियो। आयशा के झगड़े के बाद मुनावर अभिषेक से बोलते हैं, ब्रो ये क्या एक्सपेक्टेशन है। अभिषेक बोलते हैं, रहेगी वो तेरे को फील्स करना पड़ेगा। मुनावर बोलते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। अभिषेक बोलते हैं, नॉर्मल नहीं है, आयशा के पास कोई नहीं है। आयशा गेम में आगे नहीं बढ़ पा रही है। आयशा आई थी कि मुनावर के हिसाब से मैं आगे बढ़ जाऊं, पर आयशा के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। अभिषेक कहते हैं, और एक मुनावर है जो आयशा को पूरा टाइम दे रहा था। वीकेंड के वार के बाद पूरा चेंज हो गया, जो कि तेरा नेचर है, जो कि तूने ठीक किया, पर आयशा की एक्सपेक्टेशन एकदम हाई पड़ी है ब्रो। जिसके बाद आयशा अभिषेक को चिल्लाते दिखे कि आप मुनावर की साइड क्यों ले रहे हो। वही अभिषेक जवाब देते हुए कहते हैं, जब आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए नहीं तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। आयशा बोलती है, एक्सपेक्ट नहीं, खाना देने की बात हो रही है। वही अभिषेक हंसते दिखे, जिसके बाद मुनावर बोलते हैं, किसको एक्सप्लेन करूं। वही अभिषेक बोलते हैं, भाई मैं भी ये सब से गुजर चुका हूं ईशा के टाइम पे, जिसको एक्सपेक्टेशन है ऐसा ही होता है। वही मुनावर बोलते हैं, छोड़ जाने दे ब्रो, मेरे को उससे कोई उम्मीद भी नहीं है, मेरे को कुछ बुरा नहीं लग रहा है। वही अभिषेक बोलते हैं, वो चाहती है तो उसके पीछे पीछे रहे। वही मुनावर बोलते हैं, मेरे को जस्टिक मिल गया, आयशा को सॉरी चाहिए था, मैंने उसको सॉरी बोल दिया हूँ, अब क्या। वही अभिषेक बोलते हैं, उसको तू चाहिए। वही अभिषेक बोलते हैं, बहुत चीजें हैं ब्रो, मैं सब पढ़ पा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या अभिषेक ने सही कहा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।